हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द सिटी पब्लिक स्कूल्स यूट्यूब चैनल। हम अभिषेक तिवारी, योर सोशल टीचर, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक्स एज वी हैव स्टडीड अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ इट। हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, गांधी के स्वराज के बारे में पढ़ा, गांधी जी के यू नो सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, नॉन कॉरपोरेशन की आवश्यकता क्यों थी उसको हमने स्टडी किया, फिर जलियांवाला बाग और इसके अलावा जो है जलियांवाला बाग के बाद फिर खिलाफत और कांग्रेस के कॉपरेशन को स्टडी किया, फिर एक डिफरिंग स्ट्रैंड क्या था इस मोमेंट का शहरों और गांव में उसको भी हमने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला लेक्चर है वो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, स्वराज इन प्लांटेशन। हम लोगों ने कंट्री साइड में भी देख लिया, हम लोगों ने टाउन एरियाज़ में भी इसका क्या रोल था उसको हमने स्टडी कर लिया, देख लिया। अब बात आती है कि स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन जो बागवानी या फिर ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड्स थे चाय कॉफ़ी रबड़ वगैरह के, वहाँ पे किस तरह से जो है स्वराज का मतलब समझा गया लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, इसको हम लोग अब स्टडी करने चल रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्वराज इन द प्लांटेशन। ओके, सो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी। ओके, वर्कर्स की भी, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के, जो नोशन ऑफ स्वराज था, आइडिया ऑफ स्वराज था उसको लेकर के इनके भी अपनी अलग अलग राय थी। ठीक है, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, जो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए अगर बात किया जाए, फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली। उनके लिए आज़ादी का मतलब देश की आज़ादी नहीं थी, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि उनके स्वतंत्र होकर घूमने की आज़ादी, मुक्त होकर कहीं भी आने जाने की आज़ादी, आउट ऑफ द कन्फाइंड इन स्पेस इन विच देवर इनक्लोज्ड। उन स्थानों पे जहां उन्हें पकड़ करके ज़बरदस्ती जो है जाम काम करवाया जाता था, ठीक है, जहाँ पे उनको कन्फिस्केट करके बंधक बना करके काम कराया था, वहाँ से फ्रीडम को ही वो एक्चुअल में फ्रीडम समझते थे। सो एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और इसका मतलब ये था कि उस गांव से, वहाँ से निकल करके उस गांव से संपर्क जोड़ लेना जहाँ से वो रहा करते थे, जहाँ से वो आए थे। सो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, ये बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये NTSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले या इसके एक वर्ष पहले। सो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ईयर 1859 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, हियर द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स। यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था कि वो चाय के बागानों को छोड़ने की परमिशन नहीं थी, मतलब वहीं रह करके काम करना होता था, वहाँ से निकलने की बिल्कुल आज़ादी नहीं हुआ करती थी। ओके, सो इस तरह से जो है उनके लिए एक ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसके तहत एक जगह रह के ही उन्हें काम करना होता था। सो वेन दे हर्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हजारों जो वर्कर्स थे डिफाइड द अथॉरिटीज़, उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को, अपनी सत्ता को, अपने अधिकारियों को, उन्होंने जो है उनके साथ काम करने से नकार दिया, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ करके, उन फील्ड्स को छोड़ करके वहाँ से निकल गए और घरों की ओर चल पड़े। दे बिलीव्ड, वो ये विश्वास करते थे दैट गांधी राज वॉज कमिंग, कि गांधी राज आ रहा है, गांधी का शासन आ रहा है, एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, और हर किसी को अपने अपने गांव में ज़मीनें मिलेंगी। ठीक है, उन्हें ये पता नहीं कहां से भ्रम हुआ कि अब गांधी का शासन आ रहा है, अपने घर चलो और सबको गाँव में ज़मीनें मिलेंगी खेती करने के लिए। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, हालाँकि वो अपने घरों को नहीं पहुँच पाए, stranded on the way by railway and steamer
स्ट्राइक, ठीक है। और वो अपने घर के रास्ते जाने के दौरान ही न रेलवे और शिप स्ट्रीमर वगैरह की स्ट्राइक होने की वजह से ये लोग रास्ते में ही फंस गए। दे वर कॉट बाई द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। फिर पुलिस ने इनको पकड़ लिया और बहुत ही निर्दयता से इनके साथ अत्याचार किया, इनको मारा पीटा, फिर वापस ले जाकर के वहीं पे प्लांटेशंस में कन्फिस्टिकेट कर दिया गया। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाई द कांग्रेस प्रोग्राम। इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख करके ये मालूम होता है, चाहे वो प्लांटेशन की बात हो, चाहे फार्मर्स की बात हो, चाहे वो ट्राइबल्स की बात हो, कि जो मूवमेंट था कांग्रेस का, उसका विज़न, उसका इंटेंशन, उसका प्रॉस्पेक्ट्स डिक्लेयर नहीं था, वो दिखाया नहीं गया, वो बताया नहीं गया। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। उन्होंने स्वराज को अपने अर्थों में लिया, अपने सेंस में उसको दिखाया। सो इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। सो तो उन्होंने सभी ने इसीलिए अपने अपने टर्म्स में स्वराज का मतलब निकाला। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम, उन्होंने इसको कल्पना किया, इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर, कि एक समय आएगा जब सारी की सारी जो है, जब सारी की सारी जितने भी यू नो सफरिंग्स हैं, ट्रबल्स हैं, दे ऑल वुड बी ओवर वन। ओके, येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीज नेम, जब लोगों ने गांधी के नाम को चैंट करना शुरू किया, जब लोगों ने गांधी के नाम को जपना शुरू किया, एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग, और उन्होंने एक स्लोगन जो है डिमांड करना शुरू किया, स्लोगन्स जो है बोलना शुरू किया, स्वतंत्र भारत। ओके, सो दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू द ऑल इंडिया एजिटेशन। तो जिन्होंने जिस तरीके से ही क्यों न किया हो, भले ही नहीं किया हो, लेकिन फिर भी जब सबने स्वतंत्र भारत का नारा अपनाया या गांधी के नाम का सहारा लिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऑल इंडिया एजिटेशन, संपूर्ण भारत में इसके विरोध को कहीं ना कहीं बल दिया। सो व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से काम करना शुरू किया और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ ऑफ द कांग्रेस, और जब उन्होंने अपने मूवमेंट को कांग्रेस के मूवमेंट से जोड़ा, दे वर आइडेंटिफाइंग विथ अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने मूवमेंट को गांधी के मूवमेंट से कांग्रेस के मूवमेंट से जोड़ा, जो कि विच बियॉन्ड देयर लिमिट, जो कि उनकी अपनी सीमाओं से परे था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन चीज़ों से अपनी इमीडिएट लोकेलिटीज़ को पार करके कांग्रेस के मूवमेंट का हिस्सा बनना स्वीकार किया था। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, भले ही वो डायरेक्टली ना हुआ हो, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनडायरेक्टली उन्होंने उस चीज़ में अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, अब एक घटना यहाँ पे हुई थी, मैं बता दे रहा हूँ, जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीज़न था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द एंड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो 1921 में स्टार्ट हुआ और 21 से बाद 22 में एक साल के बाद ही मूवमेंट को गांधी जी को समाप्त करना पड़ा, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड। सबसे प्रोमिनेंट रीज़न जो आप देंगे वो होगा चौरी चौरा 1922। ठीक है, गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है जहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे बाजार में, न टर्न्ड इनटू वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, और पुलिस के भड़कावे की वजह से वो एक क्लैश में एक आप भिड़ंत हो गई दोनों के बीच में, जनता और पुलिस के बीच में। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा, और उसमें क्या हुआ कि चौरी चौरा में जो है कई पुलिस वालों को जला के मार दिया गया, ना 20-21 पुलिस वालों को जला के मार दिया गया, कई लोग और मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो जब इस खबर के बारे में गांधी जी को मालूम पड़ा, तो उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वहीं पे समाप्त कर दिया। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वहीं पे समाप्त कर दिया। दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है वो है जिसको हम यू नो टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब ये नॉन कॉरपोरेशन का यहीं पे अंत हो गया। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन जो मोमेंट था बहुत ही स्लाइट
सक्सेस के साथ आगे बढ़ा, बहुत थोड़ा ही सफलता इसको मिली और बहुत सी सीख दे के गया, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें क्या कैसी होनी चाहिए था, उसकी सीख तो ज़रूर मिल गई। लेकिन अब यहाँ बात थी कि क्या और भी चीज़ें हो सकती थी ना, उसके लिए सिविल डिसऑबिडियंस का प्लॉट तैयार किया गया। उसके बीच में और बहुत सी घटनाएं घटती हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको एक और लेक्चर का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, जब हम लोग लेक्चर्स के साथ आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे से, तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन चैप्टर, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, प्लांटेशन वर्कर्स का जो पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से कंप्लीट हो गया सिविल नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। तो एक पार्ट ख़त्म हो गया, सेकेंड पार्ट ख़त्म हो गया, थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू एंजॉय, थैंक यू।